अब ये फोर्थ पार्ट देखिए, रेन इज फॉलिंग एट 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। पहले हमने आपको वर्टिकली फॉल वाले रेन के लिए बताया, अब ये वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पर 50 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी दिया है, VR कुछ भी दे सकते हैं, उस पर यह गिर रही है रेन। और मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद 30 किलोमीटर पर आवर, यह मैन इधर चल रहा है और रेन ऐसे गिर रही है। अब देखिए इसको बताना है कि यह अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रोके, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये VR वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेंगे, कौन कौन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल होगा VR साइन 37 और वर्टिकल क्या होगा, VR cos 37। ये VR cos 37 और साइन cos 37 के यहाँ ट्रायंगल से निकलते हैं, 3-4-5 रेशियो होता है जिसमें 37 डिग्री एंगल है, तो साइन 37 3/5 और कॉस 37 4/5, तो इससे वेलोसिटी निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी आएगी वी आर साइन 37, तो यह आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और वर्टिकल वेलोसिटी ये आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है 40 किलोमीटर पर आवर और ये क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो रेन की वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 30 आई और माइनस नीचे गिर रही है, नीचे माइनस होता -40j, ये देखिए 30i -40j। और माइन की वेलोसिटी कितनी है, वो आपका 30i है, 30 किलोमीटर पर आवर मतलब 30i है। अब रिलेटिव वेलोसिटी VRM माने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, VR माइनस VM, तो इसमें से सबट्रैक्ट करो, 30i कैंसिल हो जाएगा तो -40i आ जाएगा, 40j आ जाएगा, 30i -40j है तो -40j यानी वर्टिकली 40 किलोमीटर पर आवर इसकी है। तो जो वर्टिकली है नीचे की ओर, तो अम्ब्रेला शुड बी इन अपर डायरेक्शन इन दिस केस, ये देखिए, सो योर अम्ब्रेला शुड बी इन अपवर्ड, कार्ड से ऐसे आप लिखवा अपवर्ड अम्ब्रेला कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, इसमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली 30-30 कैंसिल हुआ, और नहीं तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता, उससे IGS से डायरेक्शन निकालना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया रेन एंड अम्ब्रेला। अब एक हम प्रॉब्लम और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो बताएंगे, और दैट विल बी आवर 7th पार्ट।